पाकिस्तान और आज हम बड़ा अच्छा एक काम करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना प्रोग्राम कि इससे मैं किसी की खुशी में भी शरीक हो सकती हूँ, किसी के दुख में भी शरीक हो सकती हूँ, किसी की आयादत करने भी जा सकती हूँ, किसी के बच्चा हुआ उसको भी देखने जा सकती हूँ। आज हम पूरा सोशल वर्क करने निकले हैं और अपनी प्यारी सी दोस्त निमरा के घर पहुंच गए हैं यहाँ उसकी आयादत करने। हालांकि उसकी बीमारी को या उसकी वो कहते हैं ना कि एक्सीडेंट को एक महीना हो गया है, लेकिन मैं लेट आई हूँ। आई एम सो सॉरी निमरा, लेट आने की रीजन तुम्हें पता है? लेट आई अच्छा है, क्योंकि पहले तुम चिल्लाती चिंगाड़ती एग्जैक्टली खिचड़ी होती और बहुत ज्यादा शॉर्ट खराब करती। हाँ जी, मूड स्विंग वो ही ना, टांग की वजह से दर्द इतना होता था कि मैं बात नहीं कर पाती, मैं ज्यादा बात ही नहीं करती थी। लेकिन ये कि अब एटलीस्ट बात तो कर सको, स्माइल करके उनको बता तो सको। स्माइल करके दिखाओ जरा, ये पुरानी वाली स्माइल। और इसी स्माइल के साथ मैं बताती चलूँ कि आज बहुत सारे स्माइलिंग फेस यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि हम इसके चेहरे पर, निमरा के चेहरे पर और ज्यादा मुस्कुराहट ला सके। यहाँ मेरी हर वक्त रोती भी मैं तो हंसती भी लगती है, हर वक्त हंसती मुस्कुराती सहेली बनीता यहाँ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, देखे ये देखेगा, दोबारा करो एक्शन रिप्ले। ये देखिए, आप हर वक्त हंसती भी नजर आती है। और एक और ऐसे इंसान है जो मेरे शो पे आते नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर आज वो निमरा की मोहब्बत में, दोस्ती में और उसके एज अ कलीग वो यहाँ शामिल हुए हैं और वो भी हंसते रहते हैं। और देखिए, हमने सबने मैचिंग की है, आज व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आए, ताकि निमरा को बहुत अच्छा लगे। प्लीज हुमायूं अशरफ यहाँ मौजूद हैं जी सामने। ओह अच्छा, तालियां। आज मैं निमरा के माने इनका इंटरव्यू भी कर लूं। और जी निमरा के एक और दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मुझे इनका नाम कामरान ठागू बताया गया, लेकिन असल नाम इनका क्या है ये मैं इनसे ही पूछूंगी। क्या आपको कामरान ठागू कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल, कामरान सगू मेरा नाम है। देखा, मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही हूँ। ठागू कही थी सागू दाने से मुझे। सगू क्या मतलब है? सगू का सगू इज माय कास्ट। ओके ओके, आई एम सो सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया। लेकिन बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो सागू ही बोलते हैं। हाँ, तो आप आपको इवन इन मीडिया तो मुझे सगू ही बोलते हैं, ये भी सगू ही बोलते हैं। मैं भी सगू के नाम सगू सगू। थोड़ा सा गुनगुना लेना, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। आप गुनगुनाएंगे तो उसके चेहरे पे खुशी आएगी। यस, गुनगुना ले यहाँ, ताकि सबको पता चल जाए कि देखिए ये तो वाहिद चटके यार, खाली पेट आप गुनगुनाते नहीं है, घर में पेट गुनगुनाते हैं। गुनगुना के, नाच के, गा के, सब तरह से निमरा को एंटरटेन किया। ओह यस, तो आप जरा गुनगुनाएंगे तो उसके चेहरे पर और ज्यादा मुस्कुराहट। और ये मैं हाथों पे कहूंगा कि ये बेचारे पूरे पिछले महीने में अक्सर रातों को आते हैं और हम सबको बहुत खुश करके एंटरटेन करते हैं। और बड़ा थैंक कामरान का कि खास तौर पे आते हैं ये। बिल्कुल, इस वक्त पे कोई काम आए। बिल्कुल। और अपना जी, आप खामोश क्यों हो गए? हम तो आपकी आवाज गाना सोच रहे हैं ना, ये है ना। हुमायूं भी खास तौर पे आते रहते हैं। ओके, हाँ भाई, एक गाने के साथ जरा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। होय 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 जी, तो इस तरह गाने गा गा के निमरा को खुश किया गया है, निमरा को वापस लाया गया है जिंदगी की तरफ। और ये एक महीने बाद, अब मुझे फ्लैशबैक में जाना है, मुझे पता है थोड़ा सा बुरा लगेगा तुम्हें, लेकिन इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मराहल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत चेंज आया निदा मुझ मेरी जिंदगी में तो इसके बाद। एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में डाला। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ था, तो ये सारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, वो जानना चाहते हैं। असल में ओवरलोड, ओवर स्ट्रेस, काम कर करके लाइक नो संडेज ऑफ, नो मंडेज ऑफ। तो मैं, मेरा उस दिन इत्तेफाकन आपके साथ मॉर्निंग शो था, आप और दो आप नहीं थी, लेकिन आप लोग का ही मॉर्निंग शो था और शादी सीक्वेंस था, जिसकी वजह से लेट पैकअप हुआ रात को, ड्रामे का शादी सीक्वेंस। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये हुआ कि और मेरा असिस्टेंट, मैंने उसको ऑफ दे दिया, ड्राइवर दो दिन पहले ही छोड़ के गया, तो आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ, मैं ड्राइव कर रही थी।
तो ये हुआ कि ड्राइविंग के वक्त मैं आई डोंट नो आई एम सॉरी टू से कि मैं फेंट हो गई, मेरा बीपी लो हुआ, मैं फेंट हुई हूँ और मेरा ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो सारा वजन एक्सीलेटर पे हुआ तो वो स्पीड बढ़ी मेरी तो वो आर्मी की गाड़ी से हिट हुई जोर से ऑल दो मैं फेंट थी। जब वो हिट हुई है तो आपने गाड़ी का हशर तो देख ही लिया होगा कि वो क्या उसकी हालत है। तो शीशा मेरे यहाँ आके रुका, मेरे बाल जो थे सर के वो शीशे के अंदर फंसे हुए थे, ऑल्दो मेरे मुंह पे कुछ नहीं हुआ। स्टेयरिंग लिवर में जाके हिट हुआ तो लिवर पूरा लाइक ब्लडी हो गया था क्योंकि वो पूरा अंदर से ब्लड और क्लॉट्स बन गए थे मेरे दिमाग के अंदर। तो वो लेकिन दो एक दिन के बाद जाके हुई थी जबकि क्योंकि डॉक्टर ने एक लिवर डैमेज होता है हल्का सा तो वो खून अंदर अंदर रिसने लगता है। एग्जैक्टली, तो डॉक्टर ने तो रिस्क कहा कि रिस्क नहीं ले सकते हम, जबकि मेरा ऑपरेशन 9 दिन के बाद हुआ है। 9 दिन उन्होंने कहा ये हमारा बाएं हाथ का खेल है, हम हड्डियाँ जोड़ देंगे। तो 3 बोन्स टूटी है मेरी, लाइक एक यहाँ की टूटी है, नी की, नी की यहाँ की टूटी है और एक थाई की टूटी है। अच्छा, मतलब लाइक एक ही टांग की, एक ही टांग की क्या नीचे? नहीं नहीं, घुटने यहाँ और यहाँ से मेरा यहाँ से गोश पूरा खुल गया था। तो ये के बट और दिमाग वगैरह तुम्हारी फेस मैंने देखा था फेसबुक पे तुम्हारी पिक्चर, वह फेस सूजा हुआ था क्योंकि आई डोंट नो सूजा क्यों, लेकिन ये कि कंटिन्यू पेन की वजह से भी, मेडिसिंस की वजह से भी, मेबी बिकॉज़ ऑफ द लिवर का जो लिवर एग्जैक्टली। एक और ये था कि इसका सर टकराया था शीशे के साथ, लेकिन अल्लाह ताला की जात है, हमारा ईमान है कि कुदरती बात है कि वो शीशा टूट के इसके मुंह पे नहीं आया। इवन शीशे के जो टुकड़े हो गए थे उसके अंदर इसके बाल अटके हुए थे। ये मौजज़ा है और इसके एक्चुअली जो इसका ऑपरेशन लेट हुआ और डॉक्टर जो परेशान थे, क्रिटिकल कंडीशन थी, वो ये था कि इसके इसके जो है सर में क्लाउड्स जम गए थे ब्लड के, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिले किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद इन अ वीक वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो गए। और ये मौजज़ा खुदा का, लेकिन आपको पता चला जस्ट तो ये किधर थे आप, क्या कर रहे थे? मैं ये लोग सो रहे थे कि मैं मतलब करती क्या हूँ कि जब ये शूट से आती मैं सोती नहीं हूँ। तो पहले तो मैं इसके साथ रेगुलर जाती थी। मैंने कहा चलो अब इसको मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब पूरे मीडिया को जानने लगी है तो मैं अब इसके साथ क्या जाऊँ रोजाना, और बच्चों में से मैं जा भी नहीं सकती थी। तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं जा रही थी इसके साथ, तो मैं जब नहीं जाती तो वेट करती रहती हूँ। और जैसे कि ये ड्राइव पे भी होती है तो कंटिन्यू मैं कॉल पर ही होती हूँ उसके साथ। अच्छा। तो जब आती है घर में ना शूट पे खाना खाती है, तो घर पे ही आके खाना खाती हूँ, खाना मैं खुद खिलाती हूँ उसे। और मैं यही कहते कहते निम्मा कहाँ, अम्मी थोड़ा सा रह गया, अम्मी थोड़ा सा रह गया, और जैसे निकलूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसी वेट में करते करते मेरी आंख लग गई। और मोबाइल तो मैं कभी जिंदगी में बंद ऑफ करती ही नहीं हूँ, मेरे साइड पड़ा होता है। तो इसने बेहोशी में ही उनको डॉक्टर को नंबर तो बता दिया। That was 2:30 अराउंड। रात के 3 बज रहे थे और डॉक्टर का नंबर इसने खुद बताया। इसने खुद बताया बाबा के भाई और मेरा भी, डॉक्टर को अम्मी का नंबर। एग्जैक्टली, इन्होंने खुद बताया नंबर। तो जब डॉक्टर की इसकी कॉल आई होगी, जब किसी अनोन नंबर का कॉल था तो मैं तो वही बस मैं कुछ थोड़ी सी हिल गई थी। आपका दिल घबरा रहा था कुछ ऐसा मैंने, क्योंकि उस दिन सुबह 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 जब ये मॉर्निंग शो गई ना तो मैं अक्सर सदके वदके निकालती हूँ, किसी को क्या बताना पता थोड़ी चलना चाहिए, लेकिन मैं निकालती रहती हूँ। उस दिन इत्तफाकन कुछ फील भी नहीं हो रहा था मुझे, मैंने कहा दिलावर प्लीज जाओ बकरा ला दो, काफी दिन हो गए मैंने कोई ऐसा सदका नहीं लिया घर वर का बच्चों का, मेरा जा रहा। और ये फ्रिज की तरफ चले गए पानी पीना, मैंने कहा क्या हो गया है प्लीज जल्दी जाओ, मैंने कहा लेकर आओ फिर तुम ये ऑफिस निकल जाओगे, ये वो क्या हो गया, पानी दो पीने दो। बाहर मुझे पता नहीं चला कब गए पानी, वो पानी पी के फिर बकरा लेते हुए आए, पिक करा के मेरे लॉन में जिब्बा करवाया, फिर गोश्त बटवा दिया, बहुत हजार बलाओं को टाल। ये एक्सीडेंट से पहले है, ये एक्सीडेंट से पहले आपके साथ सुबह आपकी गाड़ी आई है भाई की इसको लेने के लिए पिक करने। जी वो अक्सर मैं नहीं बोलता हूँ उस दिन में, बेटा आज ऐसा करा है पीआर वाई की गाड़ी में चले जाए। हाँ। अपनी गाड़ी छोड़ दें आपको, मैं शाम को पिक कर लूंगा, शाम को पिक मैं खुद कर लूँ, पता है क्यों? मैंने सुबह उठ के 7 बजे 7:30 बजे के। हाँ। तो कह लें अबू देखिए मेरी गाड़ी पूरी वार्डरोब बनी हुई है, सारे शूट के कपड़े होते हैं डिग्गी में अलग हैं, फ्रंट पे अलग हैं, और ये मुझे अपनी गाड़ी यहाँ। मैंने कहा पता, मैंने कहा नहीं बेटा आज मैं नहीं, नहीं तो मैंने चलो चले जाओ बस। मैंने काफी अरसे के बाद इसको कहा कि मैं आप लोग की गाड़ी को फॉलो किया था,
तो क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था और मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट मेरे साथ कोई ऐसा बंदा हो, तो मैंने गाड़ी मंगवा ली थी आप लोग की, बट मैंने फॉलो कर लिया सुबह। तुम फॉलो कर फॉलो करके गई। अच्छा, जब 2:30 बजे रात को फिर आपको डॉक्टर का फोन आया, चले गए, तो पूरा दिन मेरा एक नॉर्मल गुजर गया। वही शाम को जब शाम आई फिर हम लोग सोए हुए थे, फिर क्या हुआ कि कॉल आई किसी लेडी की, डॉक्टर की नहीं थी, किसी अननोन बंदे की थी। नहीं नहीं, डॉक्टर की थी, डॉक्टर की कॉल थी कि आप निम्रा की मदर हैं। बस ये जुमला उसने कहना था, तो निदा बस कुछ हो, मुझे फील सा हो गया, जी जी मैं निदा उसकी निम्रा की मदर हूँ, आप प्लीज जल्दी जिना में आ जाएं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। आपने, आपको ये तो नहीं लगा कि कोई मजाक कर रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, इन्होंने लेकिन कॉल बैक की उसी नंबर पे फौरन। इन्होंने कहा तो हो ही नहीं सकता जिस तरह उसने बात की। नहीं, लेकिन इन्होंने कॉल बैक की उस नंबर पे, तो उसने कहा नहीं आप जल्दी आ जाएं। फिर उसके बाद मैं खड़ी हुई, मैंने कहा दिलावर उठो, निम्रा का एक्सीडेंट है, निम्रा नहीं है। कहा है निम्रा? जल्दी, बिल्कुल पागलों की तरह मेरी वो पैनिक क्रिएट, मेरी ठीक हो गया सारा माहौल मेरे घर का, लेकिन निदा में वो सीन दिमाग से निकलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलता है। वो दिन मुझे याद है, वो मैं गहरी याद है अभी तक। पता नहीं कॉल तो डॉक्टर ने पहले दिन तो जवाब ही दे दिया था, जब इसने मुझे कहा कि क्या हुआ, मैं चला क्यों नहीं गया उसके साथ। मैं सुबह उसको कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं बस तुमने कहना है अब चलो प्लीज मुझे, मैं चलूँ कैसे, बहुत दूर है, बहुत दूर है हॉस्पिटल, निकलो जैसे निकलो। मैं पहुँच ही नहीं सकती वहाँ तक, मैं पहुँच भी निकलते निकलते रास्ता हम लोग को नजर ही नहीं आ रहा, बस वो क्यामत की घड़ी थी, नहीं समझ में आ रहा वो रात क्या थी। मेरे बच्चों में जिंदगी में बहुत अच्छा जिंदगी गुजारी, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हादसा मेरी औलाद पे आया है, और क्या मत था। मैं जब पहुंची, इसकी चीखें तो आसमानों पे जा रही थी, प्लास्टर कर दिया था करने के बाद, इनको तो कुछ होश नहीं था, तक नहीं रुका, और मैं इसके करीब नहीं लग रही थी, वो बस एक आंसू नहीं था मेरी आंख में, वो दूर खड़ी हुई थी, ये हो क्या रहा है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जो गोश्त खुल गया था ना पूरा, एक्चुअली इसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन जिस तरह ये ऑन टाइम ये हॉस्पिटल पहुंच गई, वरना अगर शायद मैं इसलिए आर्मी का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो इन चीजों उन्होंने किया, स्टेयरिंग वगैरह तोड़ के इसको निकाला, तो ये ऑन टाइम हॉस्पिटल पहुंच गई। अल्लाह का करना भी कि इसकी टकराई भी गाड़ी आर्मी के बंदों से जो ट्रेंड होते हैं, इसको निकालना, इसको करना, रात को तो सन्नाटा होता है, 3 बजे क्या पता कोई गाड़ी वाला मार के चला भी जाता। जी हाँ, आर्मी 10 मिनट नहीं छोड़ सकते थे इसको, ब्लड इस तरह ज्यादा जैसे किसी ने नल खोला हुआ, ब्लड इस तरह जा रहा था, 12 बोतलें इसको ब्लड की चल चुकी। हमने फिर लियाकत नेशनल लाए, वहाँ डॉक्टर ऑन द स्पॉट फौरी तौर पे इसको ट्रीटमेंट दी गई, फिर उन्होंने जब सिटी स्कैन वगैरह करवाए तो उसमें इन्होंने कह दिया कि जी क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि इसके लीवर से ही ब्लड आ रहा है, इसके सर में ब्लड जम गया है, तो आप जो हम कुछ आपको प्रिपेयर हैं, तो हम मतलब लाइक डॉक्टर ने एक तरह से जवाब दे दिया। जी हाँ, तो हम बड़े शॉक हो गए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हल्के हल्के ICU में इसको रखा, फिर ग्रेजुअली जो है इसकी तबीयत। मेरा सोने का ऐसा होता था कि 3 गार्ड्स होते थे और कहते थे कि मक्खी भी ना गुजरे आज, क्योंकि निम्रा खान सो रही अंदर, क्योंकि मेरी चीखें इतनी एक्सट्रीमिस्ट होती थी कि जब मुझे होश आता था तो मैं 2.5 दिन सेंसेस में नहीं थी अपने, तो मैं 2.5 दिन तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। मुझे लग रहा था कि मुझे बस किसी ने कहीं बिठा दिया और जबरदस्ती निम्रा ऐसा ही लगता है, कहानी है किसी ड्रामे की, कहानी किसी फिल्म की कहानी, ऐसा ही लगता है। मैं सीन करके आई थी, यही सीन करके आई थी वहां से। हाँ, शाम को मेरा यही सीन था शूटिंग पे कि मैं पूरी खूनम खून हूँ और मैं पड़ी हुई हूँ और मेरी पूरी फैमिली रो रही है। अब ये देखिए, यहाँ निम्रा ने अपनी वो सारी आप बीती आपसे शेयर किए, आगे क्या हुआ और किस तरह ये जिंदगी की तरफ लौटी, किस तरह सही हुई, किस तरह ये 1 महीना इसके घर वालों ने, इसके दोस्तों ने इसको सपोर्ट किया, किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, इसकी चीखें, इसकी चिड़चिड़ाहट, इसकी बीमारी, ये सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्योंकि आप इसके फैंस वहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक सिंगल सिंगल सारी अच्छी बुरी बात सब बताई जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता।